नूरपुर भाजपा में चल रही उठक पटक उस समय समाप्त हो गई जब भाजपा से टिकट न मिलने की सूरत में निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ने का ऐलान करने वाले रणवीर सिंह निक्का ने चुनाव न लड़ने का ऐलान कर दिया। शीर्ष नेतृत्व के दबाव के चलते रणवीर सिंह निक्का ने भाजपा के राकेश पठानिया को हर संभव मदद करने का ऐलान किया। आपको बता दें कि रणवीर सिंह जिला भाजपा के महामंत्री हैं और नूरपुर से भाजपा के टिकट के प्रबल दावेदार थे, लेकिन पार्टी ने दो बार के विधायक रहे राकेश पठानिया पर भरोसा जताया और उन्हें पार्टी की ओर से मैदान में उतारा गया। इसके विरोध में रणवीर सिंह ने कार्यकर्ताओं के साथ निर्दलीय मैदान में उतरने का ऐलान तक कर दिया था और 23 अक्टूबर को नामांकन भरने का ऐलान किया था, लेकिन शीर्ष नेतृत्व के दबाव के बाद उन्होंने चुनाव न लड़ने का ऐलान किया और राकेश पठानिया को जीत कर नूरपुर में कमर खिलाने का ऐलान किया। बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करके उन्होंने ये ऐलान किया कि अब कोई गिला शिकवा नहीं है और सब कुछ खत्म हो चुका है और भाजपा एक बार फिर से नूरपुर में अपना पदम लहराएगी। भारतीय जनता पार्टी हमारे दिलों में बसती है। लगातार भारतीय जनता पार्टी का कार्य हमने दिल से करा। बाल्यकाल से हम पार्टी के साथ जुड़े, हमारे बुजुर्ग इसी पार्टी के साथ रहे और भारतीय जनता पार्टी का नूरपुर में कमल खिलाने के लिए हमने 5 वर्ष भरपूर प्रयास किया, जिसका आपके सामने परिणाम आने वाला है। भारतीय जनता पार्टी ने हमें टिकट देने के लिए यहां से आश्वासन दिया था कि कमल का फूल खिलाने के लिए आप जमीनी स्तर तक मेहनत करो, प्रयास किया, मगर हमारे पार्लियामेंट्री बोर्ड का, वरिष्ठ नेताओं का फैसला थोड़ा चेंज हो गया। हमारे कार्यकर्ताओं में रोष था, क्योंकि उस कार्यकर्ता के मन में रोष होता है जिन्होंने दिन रात पार्टी के लिए मेहनत करी होती है। 2 दिन पहले सभी कार्यकर्ता यहां पर इकट्ठे हुए, उत्साह में आकर पार्टी के निर्णय में उन्होंने जल्दबाजी से एक कहा कि हम भी आजाद तौर पर चुनाव लड़ेंगे। मैंने भी मीडिया के सामने इस बात को कहा कि 23 तारीख को हम नामांकन पत्र भरेंगे। आला नेताओं से हमने आग्रह किया कि हमारा नामांकन अगर किसी भी पार्टी की संख्या से कम होगा तो हम नामांकन पत्र उठा लेंगे। कल ही हमारे माननीय मंगल पांडे जी प्रभारी हिमाचल प्रदेश, बिहार के स्वास्थ्य मंत्री, चंडीगढ़ में किसान भवन में 2.5 घंटे तक लगातार मीटिंग हमारी हुई। माननीय मंगल पांडे जी, वरिष्ठ नेताओं के आग्रह से हमें इस नामांकन पत्र को दाखिल करने के लिए मना किया गया। हमने भारतीय जनता पार्टी का मान रखा, अपने वरिष्ठ नेताओं का मान रखा और हमने आज सामूहिक तौर पर फैसला किया कि हम यहां पर भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलाएंगे और सभी भारतीय जनता पार्टी के साथ चलेंगे। मंगल पांडे जी ने 2.5 घंटे आग्रह कर पार्टी को जैसे जिंदा रखने के लिए अपील करी। हम नूरपुर जिला के महामंत्री होने के नाते यहां से चारों की चारे सीटें भारतीय जनता पार्टी की झोली में डालने के लिए दिन रात मेहनत करेंगे और जहां से भारतीय जनता पार्टी को जिताएंगे। भाजपा प्रत्याशी राकेश पठानिया ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि रणवीर सिंह निक्का और राकेश पठानिया एक ही हैं और नूरपुर में कांग्रेस प्रत्याशी की जमानत जब्त करवा दी जाएगी। उन्होंने कहा कि जो भी कार्यकर्ता रणवीर सिंह निक्का के साथ जुड़े हैं उन्हें पार्टी में और ज्यादा सम्मान दिया जाएगा। वहीं जम्मू कश्मीर के वन एवं पर्यावरण मंत्री और जिला नूरपुर के चुनाव प्रभारी चौधरी लाल ने कहा कि इन दोनों के मिलाप से नूरपुर चुनाव जीत की ओर बढ़ गया है और दोनों दिग्गज मिलकर नूरपुर में जीत दर्ज कर नूरपुर का नूर वापस लाने में कामयाब होंगे। एक किस्म की मैं फिर कहूंगा कि थोड़ी गलतफहमी है, ये थोड़ी बहुत गुटबाजी हर जगह होती है। ऐसा कोई दल नहीं जहां पे थोड़ी बहुत हल्की मोटी गुटबाजी ना हो। हल्की मोटी होती है तभी दूर होती, अगर बहुत ज्यादा गंभीर होती तो दूर ना होती। पर मैं धन्यवादी हूँ इस बार भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व का, खास करके हमारे प्रभारी जी का, जिस कुशलता से उन्होंने ये पूरे मैटर को संभाला है पूरे प्रदेश के अंदर, खास करके हमारे नूरपुर सब डिवीजन में, बहुत बधाई के पात्र हैं जिस तरीके से सारा कार्य हुआ है। और मैं और रणवीर सिंह निक्का में हमें कोई ज्यादा कोई ऐसा अंतर नहीं था, ये केवल मैं
मिसकम्युनिकेशन करके ये जो है गैप बढ़ता गया और ये गैप यहाँ तक पहुँच गया कि आज हमें यहाँ पे बैठ के इस बात को खत्म करना पड़ा। दिल से हमारे बीच में ऐसी कोई बात नहीं है और मैं सब हम भाजपा के लिए समर्पित हैं। ये आपस में प्रॉब्लम्स ना होती तो भाजपा यहाँ से पिछले 20 साल से कभी हारती ना, पर अब की बार मैं आपको एक विश्वास दिलाऊंगा क्योंकि भाजपा अब एक मंच पर एक साथ है और सब नेतृत्व एक साथ है, तो ऐसा विश्वास है और ऐसा विश्वास आज जो सारे कार्यकर्ता में एकत्रित हुए हैं ऐसा विश्वास लेकर जा रहा हूँ कि जवान जब्त कराएंगे कांग्रेस की और बहुत बड़ी मार्जिन जीतेंगे और